अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुलरहमान। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी और बेहतरीन यूनिवर्सिटी जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है। फैसलाबाद की ये एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जबकि अगर मैं कहूँ पूरे पाकिस्तान के हवाले से तो पूरे पाकिस्तान से बच्चे यहाँ पर आते हैं एग्रीकल्चर के हवाले से। इस यूनिवर्सिटी की जो कोशिशें हैं, जो यहाँ पर काम किए जाते हैं, वो बहुत ही काबिल सताइश हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाएंगे, बच्चों से बातें करेंगे। आपने इस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन रियल लाइफ एक्सपीरियंस क्या है वो आज हम आपको यहाँ से शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिब गुलजार। अमामा सहर। हसीब रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? तलहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप? जी मैं बीएससी एग्री साइंस। और कौन सा सेमेस्टर है आपका? मेरा सेवन सेमेस्टर। अब मुझे ये बताइएगा कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हवाले से जब आपने एडमिशन लिया था, तब और अब क्या पर्सपेक्टिव है आपका? उस वक्त क्या सोचते थे और यहाँ पर पढ़ने के बाद क्या आपके माइंड सेट में कुछ चेंज आई? बेसिकली ना जब स्टार्ट किया था तब एग्रीकल्चर के बारे में तो बिल्कुल नॉलेज नहीं था। जैसे ही एडमिशन लिया पहले दो तीन सेमेस्टर में तो इतना नहीं, जब से एक ये वीट कम्पेन सर ने शुरू की थी, वीसी साहब ने, इस पे बड़ा हमें नॉलेज मिला। ये जो हमारे 10 दिन थे ये बड़े इंपॉर्टेंट समझ लें आपके, बड़ा हमें इलम मिला किसानों से, फार्मर्स वगैरह, ये बड़ा उन्होंने ना हमें गाइड किया। हमने भी उनको बताया, हमने टेक्नोलॉजी का बताया, उन्होंने हमारे अपने एक्सपीरियंस बताए, वो बड़ा बड़ा। उसके बाद मेरा मेजर है फॉरेस्ट्री, आप वैसे क्या आपको पता हो फिफ्थ सेमेस्टर में मेजर सेलेक्ट करते हैं, फॉरेस्ट्री मेजर है, तो उसके हवाले में भी हमें काफ़ी गाइडेंस ट्रीज के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंट के बारे में काफ़ी हमें इलम ना, काफ़ी यूनिवर्सिटी ने हमें इलम मिला और काफ़ी। अब मुझे ये बताइएगा कौन से डिपार्टमेंट से आप? यूएफ से। आई एम फ्रॉम एचएनडी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। और सेमेस्टर कौन सा? फर्स्ट सेमेस्टर एमफिल। ठीक है। अब मुझे ये बताइएगा कि जब आप यूनिवर्सिटी आपने ज्वाइन की थी तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पर पढ़ने के बाद आपकी क्या सोच है इस बारे में? यहाँ इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, काफ़ी स्टडी से रिलेटेड भी, और काफ़ी फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, काफ़ी यहाँ के टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, और हर लिहाज से बेस्ट है यूनिवर्सिटी। ये बताइएगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट से? मैं हॉर्टिकल्चर। और कौन सा सेमेस्टर? मेरा फिफ्थ सेमेस्टर है। तो आपका अब तक कैसा एक्सपीरियंस है यहाँ पर? एक्सपीरियंस जो है ना, वो पहले 3 साल तो मैंने इंजीनियरिंग में ज़ाया किए हैं, तो बहुत बुरा रहा है। नहीं, वो आपका कसूर था या यूनिवर्सिटी का कसूर था? वो कुछ मेरा भी था, पहले यूनिवर्सिटी का था फिर मेरा था, यानी कि मेरा एक एफ आया, एफ कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, तो उसके बाद जो है ना वो इंटरेस्ट नहीं था मेरा। असीबुर रहमान साहब, ये बताएं कौन से डिपार्टमेंट से आप? एग्री एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स, सेवंथ सेमेस्टर बीएस। यानी सीनियर है यहाँ थोड़े। तो ये बताइएगा कि 2-3 साल आपने यहाँ पे पढ़ लिया है, तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक्सपीरियंस ठीक भी है और नहीं भी ठीक। इधर बच्चे जलील भी होते हैं आके, स्टाफ नहीं अच्छा इधर का, बाकी यूनिवर्सिटी का माहौल तो अच्छा है, मिडिल क्लास सारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उस हिसाब से उस बार से तो माहौल अच्छा है, लेकिन स्टाफ नहीं अच्छा इधर का, इज्जत नहीं मिलती बंदे को। तलहा मुझे ये बताइएगा कौन से डिपार्टमेंट से आप? मेरा एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी 7th सेमेस्टर है। ये मैंने नाम तो नहीं सुना, लेकिन फिर भी मान लेता हूँ होगा डिपार्टमेंट, लेकिन मुझे ये बताया सेमेस्टर कौन? एग्रीकल्चर इज बैकबोन, ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और एक ज़राई मुल्क है, और जो ज़रात है ये पाकिस्तान का एक किस्म का रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, ठीक है, ज़रात का जो शोबा है, और एग्रोनॉमी मदर ऑफ साइंसेज है, और मैं इसका बाप हूँ, मतलब समझ लें आप उसके बाप हैं, बस समझ लें। अच्छा, मुझे ये बताऊँ कि आपको बाप बनने में कितनी मुश्किलात पेश आई? पहले सेमेस्टर से बाप थे या बाद में बने? पहले दिन तो बाप बनते बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, बड़े औखे हो रहे हैं, पर अल्हम्दुलिल्लाह के राउंड बोर्ड बन गए हैं। ठीक है, जब सब डिग्री कंप्लीट होगी दादा बुद्ध बनने का चांस है या बाप? नहीं, दादा बुद्ध नहीं बनना। सीरियस क्वेश्चन, मुझे बताएं कि जब आप यूनिवर्सिटी में आए थे तो क्या परसेप्शन था, तो अब क्या है?
एक्चुअली मेरा एग्रीकल्चर जो है ना वो बैकग्राउंड है, मतलब कि डोमेस्टिक बैकग्राउंड मेरा एग्रीकल्चर है। खेती बाड़ी करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, हमारी कह लें कि 1.5-2 किला जमीन है। गुजर तो नहीं तुम? नहीं, अराई बरादरी। अराई बरादरी यार, मैं तुम्हें लगता ना। अच्छा अच्छा, उसके अलावा जो है ना एग्रीकल्चर मेरा शौक है। ठीक है, मतलब कि नो डाउट अगर मैं ऑनर नहीं हूँ लैंड्स का, लेकिन इंशाल्लाह ताला बिजनेस करेंगे। अभी मैं एक बिजनेस डील कर रहा हूँ, उसको भी। किसके साथ कर रहे हैं? वो मेरे एक टीचर, उनके साथ बिजनेस डील कर रहा हूँ। टीचरों के साथ जो बिजनेस डील होती है ना, वो अक्सर कंट्रोवर्शियल हो जाती है। नो डाउट, वो नो कोई इशू नहीं है, अगर कंट्रोवर्शियल हो जाए, इसमें नेगोशिएशन आ जाए। तो सर मेरे साथ बहुत फ्रैंक है, तो हमारी जो है ना एक्चुअली हम रेंज रोवर्स ले रहे हैं गाड़ियाँ। ठीक है, तो उसमें 70% इन्वेस्टमेंट जो होगी वो सर की होगी, 30% मेरी हर कार में इन्वेस्टमेंट होगी। तो सर 20% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं? मतलब 70% इन्वेस्टमेंट सर की है ना। हाँ, तो आप तो सर जो है ना वो सैलरी वाले बंदे हैं, अभी मैं ये इनिशिएट ले रहा हूँ तो मैं इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो कार्स होंगी, 10 कार्स लेंगे हम, जो कार्स कस्टडी होगी भी मेरी होगी। सर को वंस इन अ मंथ अगर कार चाहिए होगी तो सर मेरे नाम एप्लीकेशन लिखेंगे और मैं उसको अप्रूव करूँगा। फिर सर को 1 महीने में 1 दफ़ा कार मिलने की परमिशन होगी और फ्यूल वगैरह सर का अपना होगा। वैसे जो कार्स होंगी रेंज रोवर, तो मैं रेंट पर दूंगा। और यहाँ पर ये बंदा सच बोल रहे हैं? फैसला भैया, छोटे शहरों में ज़्यादातर बच्चों का ये शिकवा होता है कि प्रैक्टिकल वर्क कम है जबकि दूसरा ज़्यादा है, तो आपको क्या यहाँ पर ऐसी कोई इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं? नहीं नहीं, प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं हम, क्या हमारा जो प्रैक्टिकल की क्लासेस हैं वहाँ फार्म पर ही होती हैं। ये एग्रोनॉमी फार्म के साथ ही हमारा फैसट्री का फार्म है, वहाँ पर रेगुलर क्लासेस हो रही हैं, फार्म प्रैक्टिकल वर्क करवा रहे हैं। नहीं, प्रैक्टिकल भी अच्छा है काफ़ी, मतलब एक्सपीरियंस टीचर्स का भी काफ़ी है और वो हमें भी काफ़ी इससे रिलेटेड गाइड करते हैं। क्या कैसे आपकी उन्होंने बेइज्जती की, इज्जत नहीं की, क्या चाहते थे आप? चाहते यही थे कि वो जो होती है पॉसिबिलिटी, यानी कि बराबर बराबर आपको हकूक मिलें, सारी चीज़ें बराबर बराबर मिलें, लेकिन वैसे मिलती नहीं है। इधर फीमेल्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है, मेल्स को भी प्रेफरेंस मिलती है लेकिन फीमेल को थोड़ी प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी डिपार्टमेंट में भी हम जाते हैं तो वो चक्कर ही लगवाते रहते हैं अपने कम्फर्ट जोन से, जो इधर का स्टाफ है वो निकलता ही नहीं है कम्फर्ट जोन से बाहर, ठीक है। बच्चे को जलील करते हैं, ये एक मतलब आप पेपर लेके गए हो ना, ऊपर एक हरफ भी उसका टेढ़ा लिखा होगा, वो कहेंगे नया लेके आओ, ये नहीं है कि उसको ठीक कर लें, ठीक है। स्टाफ बहुत मतलब ना उस तरह का। अच्छा, तो आप यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बाई चॉइस आए थे या बाई चांस आ गए थे? बाई चांस, यानी कि मेरी सिस्टर थी इधर PhD कर रही हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था इस यूनिवर्सिटी में आने का। और हर जगह क्योंकि इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत तो होती है, तो कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आप समझती हैं कि इम्प्रूवमेंट्स होनी चाहिए यहाँ पे? ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पे बेस्ट है और आई डोंट थिंक सो कोई इम्प्रूवमेंट यहाँ पे चाहिए होगी। और आप यहाँ की मैनेजमेंट को, आपके कोई गिले शिकवे हो या आप कोई कहना चाहते हैं? इम्प्रूवमेंट्स की ज़्यादा हर जगह ज़रूरत होती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैनेजमेंट के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि जब हमें, अभी तक मेरा 5th semester है, मुझे तो कोई नहीं इशू हुआ, तो बाकी सुनने में आते हैं कि जी बात नहीं सुनते, ये ज़्यादातर गर्ल्स को बातें सुनते हैं, ये ऐसा वैसी कोई बात नहीं है, सबकी सुनते हैं बात मैनेजमेंट वाले, तो कोई हमें इशू, मुझे तो अभी तक कोई इशू नहीं आया, बाकी मुझे नहीं पता किसी। यूनिवर्सिटी में माहौल कैसा है, मतलब जेंडर मिक्सअप क्या था, थोड़ा पेंडू सा है या नहीं ठीक है जैसा लाहौर है इस्लाम? यार लड़कियां तो लड़कों को मुंह नहीं लगाती यहाँ पर, लड़के थोड़े, ये तो फिर अपना कसूर है ना, यूनिवर्सिटी का कसूर? यूनिवर्सिटी का कसूर है क्या? ये DSS से डरती हैं लड़कियाँ। अच्छा, ओवरऑल देखा जाए तो हमारे जो है ना इधर बाकी यूनिवर्सिटियों से जो है ना वो बेहतर है। UCP लाहौर, उधर मैं गया था तो लड़कियाँ ऐसे जो है ना, मैं समझता पता नहीं कि मैं किस मुल्क में आ गया हूँ, मैं पाकिस्तान में ही नहीं हूँ, उधर जाना वो बहुत बुरा हालात है। आपके डिपार्टमेंट के अलावा आपके ख्याल में कौन सा अच्छा डिपार्टमेंट यहाँ का, गिरी का जो फेमस है किसी भी हवाले से, अच्छा बुरा जैसे? हमारा डिपार्टमेंट अच्छा है, मैंने डिपार्टमेंट की बात नहीं की, मैंने आपके अलावा कोई और डिपार्टमेंट आपके ख्याल में जो ज़्यादा फेमस है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी? एग्रीकल्चर का ज़्यादा फेमस FTA फूड टेक्नोलॉजी है, और इसके अलावा DVM का बस यही फेमस है इसका। इधर जो है ना वो PBG है, फिर एग्रोनॉमी है और फिर एंटो, फिर हॉर्टी। ये किस हवाले से, स्टडी के हवाले से या नेगेटिव सेंस में फेमस है? जो स्टडी के हवाले से वो PBG है, जो नेगेटिव जो है ना वो बाकी सारे नेगेटिव ही हैं। हमारे डिपार्टमेंट के अलावा फेवरेट DVM है और CS।
अगर आपको दोबारा मौका मिले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने, तो कहाँ पे जाएंगे? प्रोफेशन स्टार्ट कर देना यार अपना। भाई जिन्ना मेरिट हो गया ना तेरा उत्थे भी नहीं होना। भाई जान मेरा पहले लिस्ट नाम आया सी इथे। हुन नहीं आना? नहीं हुन जरूरत भी कोई नहीं इथे आने दी। अच्छा यस। इतना अच्छा एक्सपीरियंस है आपका कि आपको और चॉइसेस भी मिल रही हैं लाहौर में है या दूसरे बड़े शहरों में? नहीं नहीं मैं एग्री को प्रेफर करूंगी। जी बिल्कुल करूंगा, एग्रीकल्चर को करूंगा, इंजीनियरिंग को नहीं करूंगा। अगर आपको दोबारा चांस मिले यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का तो क्या आप दोबारा एग्रीकल्चर को प्रेफर करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। कहाँ से आते, कहाँ से आप? मैं कमालिया से हूँ। कमालिया से? तो आप इतनी दूर आए, अगर दोबारा मौका मिले आपको यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का तो कहाँ पे आएंगे? यहीं पे या नहीं? मैंने नहीं आना, स्टाफ नहीं अच्छा आएगा। नहीं एग्री में तो नहीं आऊँगा दोबारा। खैर मैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का सोचूंगा। वहाँ का स्टाफ भी ऐसा ही हुआ? नहीं वहाँ का स्टाफ ऐसा नहीं होता। पंजाब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूँगा, ठीक है, इसके अलावा कोई किसी और तरफ निकल जाऊँ। जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि उनको अगर आपको एक मैसेज देना चाहें। एग्रीकल्चर बेस्ट फील्ड है, यानी कि भूखा नहीं मरेगा वो। जी इसकी प्राइवेट जॉब बहुत ज़्यादा है। ये यूनिवर्सिटी काफ़ी स्टडी से रिलेटेड भी बहुत अच्छी है, और ये कि मीन्स प्रैक्टिकली भी हर लिहाज से परफेक्ट है यूनिवर्सिटी, और बहुत बेस्ट है स्टडी के लिए। उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर में तो आप ज़रूर इधर आएँ, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपको ज़रूर आना चाहिए। नए आने वाले स्टूडेंट को यही मैसेज है कि एग्री साइंस की जो डिग्री है वो ना करें, इसके अलावा बाकी जो DVM की डिग्री है, जो स्पेसिफिक डिग्रीज हैं उनमें वो पढ़ें, ठीक है, क्योंकि एग्री साइंस के ऑलरेडी बहुत स्टाफ हो गया, बहुत स्टूडेंट हो गए हैं, ठीक है, इसके आगे फ्यूचर उनका कोई नहीं मिलना एग्री साइंस में। मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा टू बी वेरी फ्रेंक कि अगर वो एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड हैं, अगर उनका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर का, तो दे शुड ज्वाइन दिस यूनिवर्सिटी, अदरवाइज दे मस्ट नॉट ज्वाइन दिस यूनिवर्सिटी बिकॉज दिस इज़ टोटली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, या इसमें आप प्रोफेशनल फील्ड देख लें। उस एक चीज़ मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा, टू बी वेरी सीरियस मैं एक चीज़ ये सजेस्ट करूँगा, मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियाँ लड़के जो है ना वो जूलॉजी बॉटनी फिजिक्स केमिस्ट्री इस तरफ चले जाते हैं। जो है ना सिर्फ एक परिजाद अमीर हुआ है, बाकी सारे गरीब ही हैं। इमरान खान कुछ नहीं कहना जी, वोट बलेगा इमरान खान कुछ नहीं कहना। क्यों? इंटरव्यू में कट देना सारा, कोई मसला नहीं। चलो थैंक यू सो मच। अच्छा ये मेरी बात पूरी यार, गल तो पूरी सुन लो यार। अच्छा मैं लिख ले यार पीछे नहीं यार। अच्छा मैं बोल यार सदा बंदा जो ना जूलॉजी बॉटनी इस तरफ ना आ जाए, क्योंकि PPSC में जो चार एक्सक्लूसिवली चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो आपका करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, GK वगैरह वगैरह पूछा जाता है, तो जूलॉजी बॉटनी वाले वगैरह सारा साल 4-5 साल जो है ना वो पढ़ते हैं जूलॉजी बॉटनी को, टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करते। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस चीज़ को छोड़ दें, सोशल साइंस को छोड़ के आप पॉलिटिकल साइंस की तरफ निकलें, इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ निकलें, इकोनॉमिक्स की तरफ निकलें, लॉ की तरफ निकलें, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ निकलें, इसका ज़्यादा स्कोप है बनिस्बत आप जूलॉजी बॉटनी करें। ये मेरे बहुत सीरियस पॉइंट में इसको जो है वो उठा रहा हूं, रेस कर रहा हूं। इस बात को आप न्यूज़ चैनल में बेशक जो है ना टेलीकास्ट करें, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं एक फैक्ट की बात बता रहा हूं, आप बहुत सारे जूलॉजी बॉटनी स्टाफ लड़कियां लड़के देखेंगे वो प्राइवेट स्कूल्स में 15-20 हज़ार रुपये काम कर रहे हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं उनकी। और क्वेश्चन? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लो चाह